है ना उसका दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CR7 के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, क्योंकि CR7 जो है उसकी कई सारी हाइप जो है बाकी के यूट्यूबर्स ने जो पार्टनर प्रोग्राम है उन्होंने कई सारी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की इसकी हाइप क्रिएट की थी। क्या ये कैरेक्टर बेहतरीन है रैंक पुश के लिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाला हूँ। सर वीडियो के एंड तक जरूर से बना रहना। एंड गाइस, मैं आपको CR7 को यूज़ करने के लिए कुछ आपको मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप आपके CR7 को एकदम इफेक्टिव वे से यूज़ कर पाओगे। सर वीडियो के एंड तक जरूर से बना रहना। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, जब आपको ये वीडियो पसंद आती है सर वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। एंड जब चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड उसके बाद जो प्यारी सी नोटिफिकेशन बेल आपको देखने को मिल रही है उसको यार याद से ऑल पर सेट कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कंपेयरिंग टू आलोक एंड गाइस केली। ओके, केली के बारे में तो कुछ बात हम करने नहीं वाले हैं, पर स्पेशली हम आलोक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि आप केली जो होती है वो एक्टिव स्किल नहीं है। एंड आप रोनाल्डो या आलोक को किसी को भी आप केली लगा के यूज़ कर सकते हो जो कि यार बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है। पर यहाँ पर हम बस कंपेयर करेंगे आलोक एंड यहाँ पर रोनाल्डो को। ओके, सो गाइस यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप रोनाल्डो को यूज़ करें ओके आपकी लाइफ टाइम यहाँ पर इसकी जो मूवमेंट स्पीड होती है वो ज़्यादा नहीं रहती है। अब जैसे ही इसकी एबिलिटी को ऑन करोगे ओके उस टाइम पे इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी। एंड उसके बाद इसकी मूवमेंट स्पीड जैसे ही वो जो सर्कल होता है वो जैसे ही यहाँ से चला जाता है उसके बाद वो आपकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे हम थोड़ी सी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप देख लो मैंने अपना जो आलोक होता है उसको मैंने आगे भेज दिया है। एंड उसके बाद मैंने एबिलिटी को ऑन कर दिया है। एंड उसके बाद आप देख रहे हो गाइस रोनाल्डो की स्पीड देख सकते हो गाइस क्या ही हाई लेवल की यहाँ पे आपकी स्पीड देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्पीड देख लो गाइस क्या ही स्पीड में अपना जो रोनाल्डो कैरेक्टर है वो एकदम स्पीड में भाग रहा है। ओके, सो इस चीज़ से तो ये बात क्लियर हो जाती है कि जो रोनाल्डो है वो आलोक से ज़्यादा मूवमेंट स्पीड देगा। ओके, एंड गाइस यार मैं आपको रोनाल्डो के लिए एक टिप देना चाहता हूँ। आप जरा कौन सी भी कस्टम रूम खेल रहे हो के क्लैश कोड कस्टम रूम, उसमें जो होता है गाइस आपको मूवमेंट स्पीड की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे आप जरा रोनाल्डो पर स्केली यहाँ पे यूज़ करते हो। एंड गाइस यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है जो मूवमेंट स्पीड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो गाइस यार बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का देगा। एंड आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो गाइस यार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आएगी। पर एक चीज़ को आपको हर बार ध्यान में रखना है, जब भी आप क्लैश कोड कस्टम्स खेल रहे हो उस टाइम पर आपको जो रोनाल्डो के बीच में कभी भी बैठना नहीं है, तो गाइस आप बहुत ही जोर से पहले जा सकते हो क्योंकि जो कस्टम रूम होता है उसमें जो होता है गाइस हर बार क्लोज रेंज फाइट होती है। एंड लॉन्ग रेंज में आप रोनाल्डो को यूज करके मेडिकेट वगैरह मार सकते हो, पर क्लोज रेंज में जो है आप जरा रोनाल्डो को यूज करोगे तो कोई भी आपका एनिमी जो होता है वो गाइस यार आपकी जो शील्ड होती है उसके अंदर घुस के आपको यहाँ पे किल कर सकता है। तो इस चीज को आपको हर बार ध्यान में रखना है कि हर बार आपको जो होता है आपके रोनाल्डो को हर बार आपको बस लॉन्ग रेंज फाइट्स में यूज़ करना है, क्लोज रेंज में कभी भी रोनाल्डो को यूज़ नहीं करना या उसके कवर को यूज़ नहीं करना, नहीं तो गाइस बहुत ही जोर से आप पेले जा सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करने वाला है इस ड्रम को एंड CR7 को। ओके, सो गाइस यहाँ पे जरा समझो ड्रम फूटता है तो गाइस हम ग्रेनाइट से भी मारे जा सकते हैं या लैंडमाइन से भी हम यहाँ पे मारे जा सकते हैं। ओके, तो गाइस हम इस ड्रम को फोड़ने वाले हैं, पर गाइस आप जब भी इसको फोड़ रहे हो या आपके ऊपर कोई ग्रेनाइट फेंक रहा है तो उस टाइम पर आपको हर बार एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जो चीज़ आपके ऊपर फेंकी गई है या आपके ऊपर यहाँ पे थ्रो की गई है वो हर बार आपकी शील्ड के बाहर रहनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आप मेरा जो पार्टनर है इसको फोड़ देगा, सो गाइस मेरा पार्टनर नॉक हुआ पर मैं यहाँ पे नॉक नहीं हुआ एज कम्पेयर टू माई पार्टनर। गाइस मैं जो ड्रम के बहुत ही ज़्यादा करीब था पर यहाँ पे मैं नॉक नहीं हुआ, मेरा पार्टनर नॉक हो गया। तो गाइस इस जो शील्ड है इसका एक और एक यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो, कोई बंदा आपके ऊपर जरा नेड करता है ओके उस टाइम पे आप इस शील्ड को जरा ऑन करते हो ओके, एंड जो ग्रेनाइट होता है वो जरा आपके शील्ड के बाहर की तरफ जाता है तो उस टाइम पे आपके ऊपर गई जो ग्रेनाइट का डैमेज होता है वो गाइस पूरा 0% बैठेगा। एंड यहाँ पे लॉन्चर भी काम नहीं करता है। एंड उसी के साथ साथ गाइस आप समझो गाइस ये जो ग्रेनाइट है ये जो शील्ड है ओके आपके सामने आपके ऊपर कोई एनिमी फायर कर रहा है इन लॉन्ग रेंज एंड आपके पास ज़रा कवर नहीं है तो आप सिंपली CR7 को यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आप सिंपली यहाँ से बैकअप वगैरह जा सकते हो या आप यहाँ पे ग्लोअल डाल सकते हो। पहले आप CR7 को ऑन करोगे कवर मिलेगा, एनिमी आपकी वो कवर को तोड़ भी नहीं सकता, कुछ सेकेंड के लिए आपको टाइम भी मिलेगा वहाँ से बचने के लिए। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे हमने बहुत कुछ चीज़ें बात कर ली है एडवांटेजेस के बारे में, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करने वाले डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कोई भी बंदा इस शील्ड के अंदर आ सकता होगा, ये तो सारे बंदों को पता ही होगा। एंड इसके बाद आगे वाला जो डिसएडवांटेज है ये जो शील्ड होती है जहाँ पे डेवलप होती है वहीं पे ये रुक जाती है, दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो गाइस यार यहाँ पे आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है पर जब आपके जो आगे का एनिमी होता है उसके लिए गाइस ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ये जो CR7
कैरेक्टर है इसने इस पूरे गेम मैकेनिज्म को पूरा हिला दिया है। फिर गेम के मैकेनिज्म के हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर आना गाइस पॉसिबल था ही नहीं। फिर भी गाइस गरीना वालों ने इसके ऊपर पैसे छापने के लिए, ग्लोबल कोलैब करने के लिए, ऑडियंस रेशियो बढ़ाने के लिए यहाँ पे रोनाल्डो के साथ कोलैब किया। एंड गरीना वालों को एक चीज पता थी, भाई इसकी एबिलिटी हम जरा जय के जैसे दे देते तो भाई हमें जो पब्लिक है बहुत ही ज्यादा हेट करती। एंड गरीना वालों को ये भी चीज पता थी कि भाई हम जरा इस चीज को जरा महंगा करते फिर भी हम पे ले जाते, क्योंकि यार बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो यहाँ पे करीना को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि स्काई लॉर्ड, यहाँ पे आवाज उठाते कि भाई ये महंगा तो है ही, ऊपर से गाइस ये जो है कैरेक्टर ये गाइस बहुत ही ज्यादा भयंकर एबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ओके, समझो हमारी और आपकी यहाँ पे क्लोज लॉन्ग रेंज में फाइट चालू है। ओके, और समझो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिया है, समझो आपकी जो हेल्थ है वो गई सर बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा मतलब आतंकी कम। ओके, मतलब कम से कम 10-20 हेल्थ है। उसके बाद में और एक गोली मारनी वाला था, उस टाइम पे आपने जरा यहाँ पे क्रोनो करेक्टर को एनेबल कर दिया। ओके, उस टाइम पे कुछ सेकेंडों के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ से आपके पास आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, एंड तब तक आप यहाँ पे मिनिमम 2 मेडिकिट्स तो आराम से मार लेते। ओके, ये कहीं यार मुझे ये चीज़ इस क्रोनो कैरेक्टर की पसंद नहीं आई है, कुछ तो अलग दे देते, पर गाइस यहाँ पे ये कैरेक्टर मुझे इसीलिए पसंद नहीं आया। एंड इसका जो सेकंड जो इसके अगला वाला डिसएडवांटेज है वो गाइस समझो, ये जरा आप गाड़ी वाला कोई आता है एंड आप जरा इस एबिलिटी को ऑन करते हो तो गाइस यहाँ पे आप पे ले जाते हो, क्योंकि आप जरा पे गाड़ी वालों कोई बंदा जरा गाड़ी लेके आता है। ओके, एंड जैसे ही वो बंदा आपको जरा यहाँ पे गाड़ी से ठोक देता है तो गाइस आप जैसे नॉर्मली किल होते हो वैसे गाइस आप यहाँ पे भी किल हो जाओगे। एंड जरा गरीना वालों को ऐसे कुछ इसका डिसएडवांटेज देना ही था तो ऐसे दे देते, भाई शॉटगन से इसको डैमेज पड़ सकता है शील्ड को, एंड उसके बाद SMG से पड़ सकता है, या भाई ये शील्ड को ब्रेक भी कर सकते हो, ऐसे कुछ तो देना चाहिए था ना भाई। ऐसे गेम मैकेनिज्म के साथ पूरी मतलब यही कर दी भाई, ग्लूवॉल जो होती है ग्लूवॉल को हम यहाँ पे फोड़ भी सकते हैं भाई, ठीक है, तो वहाँ पे उसको भी फोड़ने की कुछ तो ये रहना चाहिए था ना, या उसकी कुछ लिमिटेशंस रहनी चाहिए थी कि भाई यहाँ पे शॉटगन से इसको डैमेज पड़ सकता है, या शॉटगन से मारोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब शॉटगन से जरा मारोगे तो थोड़ा तो यहाँ पे डैमेज पड़ेगा, ऐसा कुछ तो रहना चाहिए था ना गाइस। आपको क्या लगता है गाइस, बराबर बोल रहा हूँ ना गाइस, तो पसंद आया तो लाइक कर दो यार। सो होप को ना ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। सो हियर गेमिंग विद राजा signing off today. See you next video. Till then, bye bye.